ताला खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, खुश रखे और आप लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहो। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे कि अब सर्दियों का बिल्कुल स्टार्ट है, मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो वक्त के साथ, हालात के साथ और एज के साथ भी और मौसम के साथ अपने आप को, अपने स्किन को ग्लो रखें, जवान रखें, खूबसूरत रहें, खूबसूरत दिखें और हसीन बने। जैसे ही मौसम बदलता है सर्द हवाओं से और खुश्क मौसम और ठंडी हवाओं से, हमारी स्किन फटने लगती है, ड्राई होती है, एड़ियाँ फटने लगती हैं, हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, सख्त होने लगते हैं सर्द हवाओं से, चेहरा हमारा बिल्कुल वो मुरझा सा जाता है अगर हम केयर ना करें, और स्किन ड्राई होने लग जाती है, फेस की होंठ आपके बिल्कुल ड्राई होके फटने लगते हैं। तो आज हम इस बदलते मौसम के साथ आपके लिए एक अच्छी सी, बहुत ही आजमूदा नानी दादियों वाला एक टोटका नुस्खा लेके आए हैं, होम रेमेडी DIY। घर में करें, खुद अपनी ब्यूटी इन्हांस करें, अपने चेहरे को यंग, हसीन, फ्रेश और तरोताज़ा रखें, मॉइस्चर रखें। सबसे पहले है कि आप अपने चेहरे को कितना साफ रखते हो, कितनी आप क्लेंजिंग करते हो, कितना उससे हाइड्रेट रखते हो, कितना आप उसे वॉश करते हो, हाइजीनिकली क्लीन रखते हो। अक्सर लड़कियां बस उजलत में, यंग एज की बच्चियां इतना परवाह नहीं करती, या मिडिल एज की ख़वातीन बच्चों में, घर में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपना प्रॉपर स्किन को घर में केयर नहीं कर सकती। कोविड की वजह से बाहर भी कम निकलते हैं लोग और पार्लर्स वगैरह कम जाती हैं, टाइम भी नहीं होता, मसरूफियत बहुत रहती है, अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते, अपनी स्किन को नहीं आप खूबसूरत रखने के लिए लापरवाही कर जाते हो, कोताही कर जाते हो, टाइम नहीं देते। तो अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं कि जी बस कोई भी साबुन लिया और मुंह धो लिया, और किसी भी फेस वाश से दिन में कई बार फेस धो लिया, अक्सर तो उसे कोई अच्छा सा लोशन भी नहीं लगाती, और बाज़ तो बहुत ज़्यादा साबुन का या फिर फेस वाश का इस्तेमाल करती हैं तो स्किन ड्राई और डैमेज होने लगती है, या वाइप्स लेके, वाइप्स भी चेहरे को क्लीन तो कर देते हैं डीपली, लेकिन वो आपकी स्किन को ड्राई भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। तो बेहतर है कि आप घर पे कोई अच्छा सा उपटन बनाएं, उपटन यूज़ करें चेहरे को साफ़ करने के लिए, और कोशिश करें कि स्क्रब यूज़ कर लें घर पे। आप जितनी भी फल और सब्जियां डेली इस्तेमाल की होती हैं उससे फेंकने की बजाय उसमें अरके गुलाब और जैतून का ऑयल थोड़ा सा मिला लें, पहले अरके गुलाब और लेमन जूस से उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करें, फिर थोड़ा सा उसमें कोई सा भी आप ऑलिव ऑयल डाल लें, कोकोनट ऑयल डाल लें, उससे चेहरे पे मसाज कर लें, कोई फेस पैक बना लें। तो कोशिश करें कि उसके रिंस करने के बाद, आप फेस वॉश करने के बाद सोप या सोप ना इस्तेमाल करें, फेस वॉश कम इस्तेमाल करें, वैसे पानी से सादे से आप धो लें। तो चेहरे को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। को सबसे अहम बात तो ये है कि जब आप मेकअप करते हैं, किसी पार्टी वगैरह पे जाते हैं, या किचन में आपने बहुत टाइम लगाया है, या कहीं आप बाहर गए हैं आपने मेकअप किया है किसी पार्टी वगैरह में, तो आप अपने चेहरे को प्रॉपर कैसे क्लीन करें। आप सबसे पहले तो कोई अच्छी किस्म का आई मेकअप रिमूवर लें और आईज़ का आप अच्छे से मसाज करके अच्छे से उसे रिमूव करें। सबसे पहले तो आईब्रोज और आईज़ को आप क्लीन कर लें किसी भी अच्छे से लेकर, क्लेंजर से आप कर लें, मसाज करें चेहरे पे, अच्छा सा कोई सा भी आप क्लेंजर लें। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको वैसे जस्ट बता रही हूँ कि आप अपने हाथों को तो आप रेगुलर करें ही, डेली आप रेगुलर वॉश करें, और किसी भी अच्छे एंटीबैक्टीरियल
हैंड वॉश से करें, उसके बाद कोई भी अच्छा सा लोशन ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो कोई भी साबी अच्छा सा हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर करें। फेस को इस तरह से ना टच करें और किसी भी अच्छे क्लेंजर से आप क्लेंजिंग करें। और अच्छे मेकअप रिमूवर से, अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो किसी भी अच्छे मेकअप रिमूवर से आप उसका अच्छा सा चेहरे को क्लीन करें। वॉश करने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, अच्छा सा आप स्किन टोनर इस्तेमाल करें, अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आपको अवेलेबल है इजीली आप उसको कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप लें। और फिर टोनर ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप घर पे टोनर बनाना चाहें तो आप अरके गुलाब, क्यूकम्बर, लेमन जूस और रोज़ वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में लेकर आप उससे भी आप अपना चेहरा साफ कर सकती हैं। अगर एक्नी है, सेंसिटिव इशू है तो फेस पैच लगा के देख लें, चेक कर लें। अगर सेंसिटिविटी ना हो तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और अगर एक्नी है तो नीम ऑयल के चंद कतरे आप रोज़ वाटर में मिलाकर आप चेहरे पर लगाएं तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आज मैं जो आपके घर में सर्दियों में अपनी स्किन की केयर करने के लिए अच्छा सा आपको डेली आप कह लें कि केयर का एक लोशन बनाना सिखाऊंगी, DIY स्किन केयर लोशन, उसके लिए आप घर पे ही खुद बेहतरीन सा होममेड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी अच्छी कंपनी का, हमें रोज़ वाटर चाहिए, हमें ग्लिसरीन चाहिए अच्छी सी, इसके लिए हमें चाहिए लेमन। लेमन का हम जूस निकाल लेंगे, लेमन क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है तो ये हमारी स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है और हमारी स्किन की केयर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दो तीन अदद आप लेमन ले लेंगे जिनका आप जूस निकाल लें। लेमन हमारे चेहरे के दाग धब्बों को भी साफ़ करता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने में भी इस्तेमाल करें, सिकंजवीन बना कर पिएं, इसका लेमन पानी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखें। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, फ्रेश और ख़ूबसूरत दिखती है, ग्लो करती है। इसके साथ अब हम ऐड करेंगे 1 औंस के करीब, हमने 1 औंस के करीब रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, 1 से 2 अदद आप कर लें क्योंकि उसकी क्वांटिटी इक्वल आप रखें। अगर आपने 2 चम्मच लेमन जूस लिया है तो 2 ही चम्मच आप उसमें अरके गुलाब, रोज़ वाटर और 2 ही चम्मच आप उसमें ग्लिसरीन डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स वेल एंड देन आपको अब नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं कि इसमें अब आपने कोई भी, आपने ऐसी एम्प्टी लोशन वाली बॉटल कोई भी आपके पास घर में मौजूद हो जिसमें अक्सर थोड़ा सा नीचे लोशन मौजूद ही होता है, ख़त्म होने से पहले जैसे लोशन वाली बॉटल में कुछ अंदर रह जाता है लेकिन हम उसे निकाल नहीं पाते, आप उसी तरह रहने दें, लोशन उसमें रहे पहले से थोड़ा सा, उसमें हम ये ऐड कर देंगे जो हमने ये बनाया है, ये जो हमने 3 चीज़ें ली हैं, रोज़ वाटर, लेमन जूस और ग्लिसरीन, ये हमने लोशन वाली बॉटल में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा लोशन बच गया था, ख़त्म होने के करीब था तो हमने उसे वॉश नहीं किया, उसी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारे पास बेहतरीन डेली हैंड लोशन बन गया, जो चेहरे को, हाथों को, कलाइयाँ, एड़ियाँ, आपके बाजू, डार्क एरिया, नेक, आपकी इस हर चीज़ को खूबसूरत और यंग और खूबसूरत बनाएगा। सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से, फटने से बचाएगा। ड्राई डैमेज स्किन से आप बच जाएंगे। आप हाथों पे लगाएं डेली, आप जब भी आप किचन में काम करें, अपने सामने आप किचन में ये बोतल एक बना कर रखें, एक बोतल आप अपने रूम में रखें, और जब भी आप वॉशरूम में रखें एक बोतल, दो तीन बॉटल्स में ये बना के आप तीन जगह पे इसको रखें, तो आप डेली, आप जब भी मुंह हाथ धोएं, कोई काम करें, उसके बाद सोप के इस्तेमाल से या किचन में काम से जब आप हाथ वगैरह मुंह धोती हैं, तो आप कलाइयों पे अच्छे से आप इसे लगाएं, हाथों पे लगाएं, चेहरे पे, नेक पे, फ्रंट बैक पे लगाएं, और आप अपनी कोहनियों पे लगाएं, पैरों पे, टखनों पे, घुटनों पे, आप अपने जहाँ भी आप चाहती हैं कि आपका फुल बॉडी पे भी आप नहाने के बाद यूज़ कर सकती हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, बेबी सॉफ्ट रहेगी, और मौसम के असरात से ख़राब नहीं होगी। डेली केयर का ये बेहतरीन है, इसे दो तीन बॉटल्स में, जो भी आपकी लोशन वाली बोतल ख़राब हो, खाली हो, आप उसे फेंके नहीं, जब उसमें थोड़ा सा लोशन रहता हो तो आप ये बनाएं, इतना ही बस बनाएं कि आपका 10 दिन के लिए काफ़ी हो। तो जो भी बोतल आपकी लोशन वाली खाली होती है, उसमें थोड़ा सा अंदर मौजूद ही होता है लोशन, उसी में आप ग्लिसरीन, लेमन जूस और रोज़ वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में उसमें ऐड कर लें, और उसे जब भी आप यूज़ करें, शेक वेल बिफोर यूज़, तो अच्छे से उसे मिक्स करें और उसे आप लगाएं। ये बेहतरीन आपको मैंने होममेड DIY बता दिया है, होममेड लोशन, तो आप घर में ये करें, और ये आप हर हफ्ते बना सकती हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। इसे आप कहीं भी, आप किचन में भी रखें, अपने बेडरूम में रखें, अपने वॉशरूम में रखें, और ताकि आप सामने रखा हो, आपको याद हो, और आप जब भी मुंह हाथ धोएं, वुजू करें, नहाएं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा ये लें हाथों पे, और इसे अच्छी तरह कलाइयाँ, कोहनियाँ, चेहरा, नेक, सामने नेक के नीचे वाला पार्ट, फ्रंट बैक का, गले का पीछे वाला पार्ट, और बाजू, कलाइयाँ, फुल बॉडी भी आप नहाने के बाद यूज़ कर सकती हैं। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी, नरिश रहेगी, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल स्मूथ, क्लीन। एक तो ये रंग भी निखारता है, ये इसके अंदर जो लेमन है, ये आपके स्किन को वाइट भी करेगा और दाग धब्बे भी हटाएगा, और इसमें जो रोज़ वाटर है और ग्लिसरीन, ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और नीट, क्लीन, और बहुत ही ज़बरदस्त, यंग और बेहतरीन रखेगा, मौसम के असरात से बचाएगा। और डेली आप यूजेस में ये कोई सा भी, अच्छा जो भी आप यूज़ करते हो, एक सन ब्लॉक लो, लेकिन आपने उसे हाफ क्वांटिटी लेना है, हाफ क्वांटिटी सन ब्लॉक, हाफ क्वांटिटी कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें या बॉडी लोशन ले लें, हाफ आप सन ब्लॉक, हाफ उसमें लोशन डालें, और उससे आप इस्तेमाल करें। उसमें भी आप ग्लिसरीन, लेमन जूस और रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मिक्स करके एक छोटी सी बोतल में रख सकते हैं। ये आपका सन ब्लॉक भी होगा और लोशन भी, और सन ब्लॉक डायरेक्ट इस तरह अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, तो कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब आप सन एक्सपोजर से स्किन, आपकी स्किन बर्न हो जाती है, तो आप एक बार ज़रूर जब फेस वॉश करें, घर से बाहर निकलें। ये मैंने आपको, मैं DIY करके दिखा रही हूँ, मेरा ज़ाती है, मैं घर पे खुद तैयार कर लेती हूँ। कोई भी अच्छा सन ब्लॉक लेकर उसमें मैंने
हाफ क्वांटिटी उसमें लोशन भी ऐड किया हुआ है, और उसमें मैं अपनी मर्जी के मुताबिक विटामिन ई के चंद कैप्सूल भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, एक वाइटनिंग का कैप्सूल इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उसमें मैं ग्लिसरीन, अर्की गुलाब और लेमन जूस ऐड करके ये मेरा सन ब्लॉक होता है। क्योंकि मैं या तो सन ब्लॉक यूज़ करूँगी या फिर मैं ये जो मेरा DIY होम लोशन है इससे मैं यूज़ करूँगी, फिर या फिर मैं इसे यूज़ करूँगी, तो मैं इन दोनों को भी मिक्स करके बना लेती हूँ। तो इस तरह आप खुद से अपने आइडियाज़ के साथ आपकी स्किन को क्या सूट करता है स्किन पैच करके आप चेक कर लिया करें। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप खुद से अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किया करें अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन हमेशा हर मौसम में खूबसूरत दिखे, फ्रेश, तरोताज़ा, सॉफ्ट, मुलायम हो। और बस दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके खिदमत में सब हाजिर होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।